कुरान जो मोटिवेट करता है, इदा असाबतहुम मुसीबा, हाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने साथ दिया और कुरान कहता है कि खुज़ बियदिका ग़िसन फ़ज़रिब बिही, ऐ अय्यूब एक एक झाड़ू ले ले, ठीक है ना, 100 तिनकों वाली बस हीला कर ले। इससे भी पता चलता है कि फुकहा पे आज बहुत एतराज किए जाते हैं, हर आदमी यूट्यूब पे उल्लू बना रहे हैं, कह रहे हैं ये फुकहा ने हीले लिखे, हीले वीले इस्लाम में नहीं, हीले तो बनी इसराइल ने किए थे। भाई हीलों, किताबुल हील के नाम से ना बाकायदा फिका में एक बाब होता है, उसका नाम ही हीलों का बाब। लेकिन जिनके इल्म में गहराई नहीं होती वो कहते हैं देखो फकी लोग, हनफियों ने हीले बताए, शाफियों ने हीले बताए, ये सब बनी इसराइल के हीले हैं। हीले की दो किस्में हैं, एक जायज़ हीले और एक हराम हीले। फुकहा ने जायज़ हीले लिखे हैं और ये हीले कुरान से साबित हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था 100 कोड़े मारूंगा, अल्लाह ने हीला बता दिया, ये कर लो कानून भी पूरा हो जाएगा और बीवी को तकलीफ भी नहीं होगी। तो फुकहा ये वाले हीले बताते हैं, वो हीले नहीं बताते जिससे हराम हलाल या हलाल हराम हो जाए, समझते हो। तो इल्म प्रॉपर उलमा से हासिल किया करो। खैर, तो कुरान क्या कहता है, इन्ना लिल्लाही, हम किसके गुलाम हैं, अल्लाह के, आधी टेंशन इससे खत्म। अबे भाई जब हम अपने, ये जमीन ना हमारे बाप की है ना हमारी बॉडी हमारे बाप की, हमें पैदा करने वाला भी अल्लाह, हमारी जिस्म पे मर्जी भी किसकी चलेगी, अल्लाह की चलेगी। तो जो मिल रहा है गरीबी है भाई, इस पे खुशी मनाओ, जो नहीं मिल रहा, जितना मिल, भिखारी को जितने पैसे मिल जाए उस पे खुशी मनाता है, या नहीं मिले तो टेंशन लेता है। अबे भाई भिखारी को आया मांगने, आपने 50 रुपए तो कैसा खुशी खुशी लेके जाता है, और आपको अल्लाह माफ करो टेंशन नहीं लेता, इसलिए कि अगर वो टेंशन ले तो रात को टेंशन से मर जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसको रिजेक्ट ही कर रहे होते हैं। एक भिखारी था बड़ा टेक्निकल किस्म का, वो किसी महल्ले में गया, किसी ने पूछा कि यार यहाँ से कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है, कहते हैं अगर कल कर लो लफ्ज इस्तेमाल ना करें ना तो इस इलाके में मेरा लाखों रुपए फंसा हुआ है, इस इलाके में मेरा लाखों रुपए फंसा हुआ है, लेकिन कल के चक्कर में ये फंसा हुआ है। तो भिखारी को जो मिल जाए खुश है, नहीं मिले तो भी टेंशन नहीं लेता, वो कह रहे हैं हमने कौन सा कोई गड़ा थोड़ी खोदा है जिसकी मैं उजरत मांग रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से बनेगा ऐसे जैसे बहुत टेंशन हो रही है, ड्रामे करेगा, रोने की शक्ल बनाएगा, मुंह घुमाएगा सिर्फ पैसा निकालने के लिए, आपने फिर भी नहीं दिया तो ऐसे करेगा, लेकिन आप थोड़ा आगे जाओ तो बैठा हुआ होगा खुश, ठीक है, कह रहे चलो उधर ट्राई करते हैं। तो हम तो भिखारी हैं, ना हम अपनी मर्जी से पैदा हुए, ना अपनी मर्जी से मरेंगे, ना बारिश हमारी मर्जी से, ना खरबूजा हमारी मर्जी से पैदा होता है, ना तरबूज हमारी मर्जी से, ना अंडा हमारी मर्जी से। हम कोशिश तो कर रहे हैं मुर्गी हमारी मर्जी से अंडे दे, तो मुर्गी इतना तो आ गई है साल में रोजाना अंडा देने पे आ गई है, इससे ज्यादा आगे हम हमारी मर्जी है तो हम कहते हैं डेली 3 अंडे चाहिए हमें, यहां हमारी मर्जी चलती है। अगर हमारी मर्जी चले तो भैंस रोजाना 40 किलो दूध दे, नहीं चलती भाई, एक हद तक है, उससे आगे अल्लाह कहेगा ये भैंस है, ये तेरे बाप की भैंस नहीं है, ये मेरी भैंस है, मैंने बनाई है, मेरी मर्जी से दूध देगी। तो जब भी कोई टेंशन हुआ करे ना और परेशान बैठा हुआ करो और टेंशन दूर ना हो, पैसा नहीं आ रहा, गुर्बत है, तो आप बोलो ये तेरे बाप का पैसा नहीं है, ये पैसे का मालिक कौन है, अल्लाह है, जिसको चाहेगा देगा। बेइज्जती हो जाए बोलो तेरे बाप की इज्जत जिल्लत तेरे बाप के हाथ में नहीं। वो एक आदमी किसी महल्ले में गया, बड़ा खुश आया वहां से, इसने पूछा इतना खुश क्यों है, कह रहा है शुक्र है तेरे भाई की इज्जत नहीं है। इसमें क्या खुशी की बात है, कह रहा वरना आज बहुत बेइज्जती हो जाती मेरी, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत हो, कह रहे आज ऐसा काम मैंने किया है कि अगर मेरी इज्जत होती तो आज मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती है, अल्लाह का फजल था कि मेरी इज्जत सिरे से है ही नहीं, तो इसमें भी इंजॉय कर रहा है। तो आधी टेंशन किससे खत्म, इन्ना लिल्लाही, हम किसके गुलाम है, अल्लाह के। लेकिन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो मजहब को नहीं मानते उनकी डिक्शनरी में अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह लाने से ना इनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप कह सकते हो अल्लाह को ले आए ना, इतना आसान नहीं है, जब अल्लाह आएगा ना फिर अल्लाह और बंदों का लिंक क्या है, इस पे बहस शुरू होगी, फिर पैगंबर भी आएंगे, फिर इस्लाम भी आएगा, फिर उलमा भी आएंगे, फिर मजहब भी आएगा, और गोरा डिक्शनरी से निकल जाएगा, ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो ऐसा करोगे तो कौन आएगा, ठीक है ना, कोई भी नहीं आएगा।